आपका दोस्त बुलेट सिंह और आज आप देख रहे आज वापस मैं शमशाद गैरेज आ गया हूँ और मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा क्योंकि यूट्यूब पे जो मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा 220 का तो एक फ्रेंड ने वीडियो देखा वो तो उसने रिक्वेस्ट किया है उसने रिक्वेस्ट नहीं उसने बोला है कि अगर आप 150 पल्सर का 180 का गियर शिफ्ट कर सकते हो क्या वैसा लुक मतलब 180 का गियर शिफ्टिंग जो है वो 150 में लगा सकते हो क्या तो लगा सकते हैं तो मैंने एक्चुअली वैसा पहले ही कर दिया था मतलब मेरे सर की बाइक पे 180 का गियर लगाया था तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मतलब मैं आपको खोल के वापस पूरा कस के दिखा दूँ क्योंकि मेरे क्लास का समर कैंप चालू है और मैं उसमें बहुत बिजी हूँ तो मैं स्पेशली उस दोस्त को दिखाऊँगा कि हाँ भाई तुम भी ऐसा कर सकते हो जो बहुत सिंपल है आप बजाज से या फिर किधर भी ऑटो दुकान से पल्सर 180 का गियर का लेस गियर शिफ्ट मतलब गियर लगाने वाला ले सकते हैं और 150% कर सकते हैं तो बहुत इजीली है। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप 180 गियर शिफ्टिंग 150 में लगा सकते हैं। तो चलो 1 2 3 गो गो गो। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पल्सर 150 है ये सेम वही हेडलाइट और इसमें व्हील चेंज किया है आगे का और पीछे का तो आपको दिख रहा होगा पुराना इंजन पुरानी बाइक बट जो ये है ब्रेक के साइड में ये पल्सर 180 का है जो 150 में फिट किया है और इसकी वजह से इसका लुक थोड़ा अच्छा दिख रहा है मतलब वो 150 से वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ पे चेंजेस किया है कैसे फिट किया है इसको और ये है उसका गियर लगाने वाला यहाँ भी 180 का ही लगाया है तो बोथ साइड दोनों लगाया है गियर का तो आपको दिख रहा होगा कि पल्सर 150 है और इसमें गियर लगाने वाला जो है पूरा पैर रखने वाला फुट पैड ये 180 का है तो चलो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे कैसे चेंज किया और कैसे फिट किया इस गाड़ी को और उसको ये है 180 का फुट पैड क्या बोलते हैं इसको तो आप देख रहे हैं इसको एल ब्रैकेट फुट रेस्ट बोलते हैं जो पल्सर 180 का है और हमने इसको 150 में फिट किया है तो जिसके वजह से ये थोड़ा 180 के लुक में आ जाता है और इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये जो गियर शिफ्टिंग है ये भी 180 का है आप देखिए कैसे चेंज किया और जो लास्ट में ये दो दिख रहा है ना दो होल यहाँ पे ये पहले यहाँ पे था मतलब ये जो दो होल से यहाँ पे पहले 150 का गियर था जिसके वजह से वो सीधा था मतलब आगे पीछे शिफ्ट करने वाला तो और ये 180 का लगाया तो फिर ये जो एल शेप का ब्रैकेट है इसमें मतलब वो दिया रहता है तो आपको ये भी लेना पड़ेगा इसके साथ में तो वो 180 का फिर लुक आएगा इसमें जिससे ये किसी को मतलब देखने वाली पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि उसको पता नहीं कर पाते कि ये 180 है या 150 या 200 तो और गाड़ी अच्छी भी दिखती है थोड़ी सी यहाँ पे फिट किया गियर फिर ये पीछे गया फिर पीछे से यहाँ पे फिट हुआ फिर ये आगे आ गया जो ये सेट के साथ में ही आता है या फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा 180 का गियर का लीवर तो आप देख रहे हैं सेम ब्रेक के साइड मतलब जहाँ से हम ब्रेक लगाते हैं और उधर भी सेम वैसे ही किया है ये सेम सेट कर दिया और इसमें एंड में जैसे साइलेंसर का वो होल्ड गया वो है और फिर ब्रेक भी 180 का लिया शिफ्ट किया यहाँ पे शिफ्ट किया है और जिससे ये इसका लुक 180 जैसा दिखता है कि किसी भी गैरेज में आराम से फिट करा सकते हो और इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है बस थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब जो डबल स्टैंड है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा लेकिन वो फिट करके दे देगा आपको
ये फिट तो कर दिया, लेकिन इससे फिर एक प्रॉब्लम होने वाली है आपको। अगर आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो जो आपके 150 का किक मारने का है वो आपके आगे फुटेज में टच होएगा, जिसकी वजह से आप किक नहीं मार पाएंगे, जिसमें कि ये प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपका सेल्फ स्टार्ट अच्छा हो और वो काम करे, तो आप गाड़ी को अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये जो है ये इसमें आगे टच हो जाता है, तो आप फुल किक नहीं मार पाएंगे, हाफ किक मिलेगा। इसमें एक यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो ये एकदम मस्त दिखती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मस्त दिखता है मेरे को, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये किया। तो आपकी मर्जी, अगर आपके पास 150 है तो आप भी कर सकते हैं 180 का लुक और उसको लेके घूम सकते हैं। और ये जो आप हैंडल देख रहे हो, ये ना पल्सर 150 है, ना पल्सर 180 है, ना पल्सर 200 है और ना पल्सर 220 का है। ये जो हैंडल है ये हमने KTM डुक 200 का लगाया इसमें, और जिसकी वजह से लुक इसका और थोड़ा डाउन दिखता, मतलब गाड़ी एक लाइन में दिखती है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं दिखती। और पकड़ने की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जो पल्सर 180 220 जिसमें नहीं है, तो इसमें थोड़ा अलग ही बोल सकते हैं, मतलब अलग ही लुक दिखता है सामने वाले को। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो आपने देख लिया, हाथ का पोजीशन चेंज हो जाता है, थोड़े से डूड चाइल्ड मतलब कॉलेज वाले बॉय जैसे हो जाते हैं। तो आप रोहित भाई ये भी कर सकते हैं, 220 का 150 में लगा सकते हैं हैंडल। ये जो बाइक है 150 है, और मैंने जो इसमें गियर और ब्रेक का ये जो पैनल लगाया है ये 180 का है, तो इससे मेरा जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो गया, मतलब वो नॉर्मल जैसे कैसे 150 पे सीधे बैठे रहते हैं, पैर रख कर ऐसे पैर रख कर बैठे होते हैं, तो उस टाइप का नहीं था। तो स्पेशली रोहित भाई और जो बाकी सब आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आप भी ऐसे अपने पल्सर 150 को 180 का लुक दे सकते हैं। और यहाँ मत देखिए, यहाँ और यहाँ ये मैं ठीक कराने वाला हूँ, थोड़ी हालत पंचर है इसलिए खाली है ये पार्ट। और अब ये दिख रहा है आपको, ये भी 180 का है, तो आप ये भी फिट करा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी का लुक और चेंज हो सकता है, और आप कूल दिख सकते हैं पल्सर 150 या 180।